आपको सीधे लिए चलते हैं, मध्य प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई दे रहे हैं। मौत कोई भी हो दुखद होती है, पीड़ादायी होती है और सरकार की पूरी सहानुभूति सद्भावना उनके साथ है। शासन को अपने स्तर पर जो भी करना है, हमारे मुखिया माननीय शिवराज सिंह जी स्वयं पहल करके हर क्षेत्र में कर ही रहे हैं, लेकिन कांग्रेस बेवजह भ्रम का वातावरण और भ्रम के माध्यम से भय का वातावरण बनाने की कोशिश कर रही है, जो कि निंदनीय मैं मानता हूं। मेरी व्यक्तिगत राय है कि ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। अभी मेरे विभाग के डीन की दिल्ली में असमय मौत हुई, श्री अरुण शर्मा जी जो पिछले महीने ही हमारे डीन पर जबलपुर में पदस्थापना हुई थी, उनकी दिल्ली में मृत्यु हुई है। वो एक अच्छे डॉक्टर थे, स्वभाव से भी अच्छे थे, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं पूरी जानकारी के साथ में, पूरे तथ्यों के साथ में, पूरे विश्वास के साथ में, कि इनका व्यापम से कोई लेना देना नहीं था। न तो वो एक्यूज थे, न वो गवाह थे, न उन्हें कोई 400 जांचें दी गई, न 200 जांचें दी गई, न व्यापम से उनका कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रिश्ता उस केस से, लेकिन उसके बावजूद भी उसको जोड़ने की कोशिश की गई। आज सुबह हमारी बिटिया अनामिका कुशवाहा, उसका जब मामला आया तो उसको भी सुबह से कांग्रेस के लोगों के द्वारा व्यापम से जोड़ने की कोशिश की गई, जबकि उसके फादर ने बातचीत के दरमियान स्पष्ट कहा कि उनका पारिवारिक कलह था, पारिवारिक जो उनका विवाद होता है उसके कारण से वो परेशान थी। और अभी ऐसा उसका सोसाइटल नोट भी कोई नहीं मिला है जिसके आधार पर, और ये मैं कह सकता हूं पूरे विश्वास के साथ कि इसका भी व्यापम से, न तो ये मुजरिम थी, न गवाह थी, न एक्यूज थी, कुछ नहीं था इसका व्यापम से लेना देना, लेकिन उसके बावजूद भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है। मैं समझता हूं कि ये अच्छा नहीं है और इसमें कांग्रेस को सोचना चाहिए। सीबीआई जांच की मांग भी कांग्रेस के अलावा कोई और नहीं कर रहा, आप देख रहे होंगे पूरे के पूरे मामले में इतने सारे लोगों के, किसी के परिवार वालों ने कहीं सीबीआई जांच की मांग नहीं की। हर व्यक्ति को एसआईटी पर भरोसा है, एसटीएफ पर भरोसा है, उच्च न्यायालय पर भरोसा है, सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा है। अगर नहीं है किसी को तो वो है सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस, जो प्रदेश की जनता अच्छी तरह से समझती है इन कांग्रेस को, कांग्रेस के झूठ को। एक नहीं अनेक जगह पर कांग्रेस झूठ साबित हुई है। इसी मध्य प्रदेश में आप सबके सामने ये तीन तीन बड़े नेता आए थे आरोप लगाने के लिए, उस समय भी मैंने आप सबके सामने कमोवेश यही स्थान पर कहा था कि ये सारे दस्तावेज कूट रचित हैं, ये असत्य हैं, ये अप्रमाणिक हैं, और बाद में न्यायालय ने भी कहा कि ये सारे के सारे दस्तावेज ठीक नहीं है। ऐसा एक नहीं अनेक बार ये कांग्रेस के बड़े नेताओं का असत्य सामने आ चुका है। आप दस सब आज कांग्रेस की तरफ से ये बात आई है कि गुजरात के डॉक्टरों पे उनको विश्वास नहीं है, तो मुझे इस पे घोर आपत्ति है। एक चिकित्सक समुदाय पे इस तरीके के आरोप लगाना ये उचित नहीं है, और रिपोर्ट क्या आई है ये अभी उन तक नहीं पहुंची। मेरा ऐसा कहना है कि जो भी डॉक्टर जहां भी पोस्टमार्टम कर रहा है या कोई मेडिकल रिपोर्ट दे रहा है तो उस पर विश्वास करना पड़ेगा। ये आज मैंने अखबार में पढ़ा कि श्री दिग्विजय सिंह जी ने ऐसी बात कही है कि गुजरात के डॉक्टरों पर हमें विश्वास नहीं है। मुझे इस पर घोर आपत्ति है, और ये इस तरीके से एक डॉक्टर और चिकित्सक समुदाय का एक बहुत बड़ा घोर अपमान है। सर, अभी अरुण यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश अब सौदागर हो गए। नहीं, हमारे सरकार के प्रवक्ता इस पे बात कर चुके हैं कि अब वो केवल लाशों पे राजनीति कर रहे हैं, और राजनीतिक रोटियां अब लाशों पे सेंक रहे हैं वो।
दूसरे शब्द नहीं है उनके लिए। और भी कई लाशों का इजाफा भी रोज हो रहा है, संख्याएं बढ़ रही है। देखिए, लेकिन हर चीज को व्यापम से जोड़ना ये उचित नहीं। जब भी वो कोई बात करें तो तथ्यात्मक उनकी बात होना चाहिए। ये झाबुआ का मामला भी है, पुराना मामला है 12 का, और 12 में व्यापम से इस लड़की का कोई लेना देना उसमें नहीं है। जो भी उसमें उसकी मृत्यु हुई है या उसने सुसाइड किया है, जो घटनाक्रम है, वो व्यापम से दूर दूर तक कहीं तक उसका कहीं कोई संबंध नहीं है। वहीं भी कोई देखिए, अमृता डाबोर की बात कर रहे हैं, व्यापम से कोई उसका लेना देना दूर दूर तक नहीं है, और न ही उसकी मृत्यु का कहीं कोई व्यापम कारण है। उनके पिताजी ने अन्य बातें कही बाद में, उनके देखिए उनके पिताजी ने बात जो कही है वो बहुत स्पष्ट कही है। मैं उस बात को कहना नहीं चाहता कि उसकी जो मृत्यु हुई है उसका कारण क्या है। ये हर चीज को देखिए, सब ने पढ़ा है आप, नहीं, सबको मालूम है, समझिए आप। कहीं उन्होंने बहुत स्पष्ट ये कहा है उनके पिताजी ने कि व्यापम से इसका कोई लेना देना नहीं है। अब आप हर चीज को कांग्रेस व्यापम से जोड़ेगी। देखिए, कहीं भी कोई किसी की मौत होती है दुर्भाग्यपूर्ण है, और हम उसके दुख दर्द में शामिल हैं, और सरकार को पूरी तरीके से संवेदना है, लेकिन उसको व्यापम से जोड़ना ये उचित नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, और मध्य प्रदेश सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ये बात कह रहे हैं। कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर शेजवार भी अपनी बात रख रहे हैं कि किस तरीके से एक भ्रम के जरिए भय पैदा करने की कोशिश की जा रही है। आरोप कांग्रेस पर लगाए जा रहे हैं कि सीबीआई जांच की मांग सिर्फ कांग्रेस कर रही है, जबकि किसी भी परिवार ने इस तरह की मांग सीधे तौर पर नहीं की।